रिंकी वाजपेयी, आप देख रहे हैं जगन न्यूज 24। भारत विकास परिषद हिम्मतनगर ने राजस्थान वनवासी कल्याण आश्रम टोडरा में विकलांग शिविर का आयोजन किया। दिनांक रविवार को राजस्थान वनवासी कल्याण आश्रम छावनी कोटा राजस्थान में भारत विकास परिषद हिम्मतनगर द्वारा आयोजित दिव्यांगता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कुल 150 मरीजों का नामांकन किया गया, जिसमें से 113 रोगों को निःशुल्क निशक्तजन शिविर के तहत चिकित्सा मानक के अनुसार बगल, घोड़ी, लाठियां, कृत्रिम हाथ पैर, क्लिपर्स, ट्राईसाइकिल प्राप्त करने के पात्र थे, जिसमें से 46 जरूरतमंदों को तत्काल वितरण किया गया, जबकि बाकी को पिछले दिनों आवश्यक उपकरण सहायता प्रदान की जाएगी। इस मौके पर मरीजों और उनके साथ आए लोगों के लिए निःशुल्क चाय व पानी की व्यवस्था की गई। शिविर में प्राचार्य प्रवीण भाई एन पटेल एरोलम लिमिटेड दलपुर हिम्मतनगर और श्री अनुभाई पटेल अमिधारा ट्रस्ट फतेहपुरा हिम्मतनगर उपस्थित थे। शिविर की सफलता की कामना की। इस अवसर पर भारत विकास परिषद हिम्मतनगर शाखा अध्यक्ष परीक्षित भाई वखारिया, मंत्री प्रफुल्ल भाई फादिया, समन्वयक श्री जाशु भाई देसाई, सुरेश भाई सुधार, कोषाध्यक्ष जितेंद्र भाई सोनी, मार्गदर्शक मुकेश भाई वनवादी, रुमाल भाई, डॉक्टर रोहित भाई देसाई, विजय सिंह राजपूत ने कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया। इस शिविर में भारत विकास परिषद पाली की ओर से श्री विजय भाई, दिनेश भाई, नितिन भाई, दिव्यांग भाई घोगरी उपस्थित रहे। जगह न्यूज 24 भास्कर शुक्ला अहमदाबाद। नमस्कार, जगत न्यूज 24 से भास्कर शुक्ला अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। आर हिम्मतनगर भारत विकास परिषद से हमारा स्टूडियो में इसका संयोजक श्री आए हुए हैं। उसका जो कार्यकारी संयोजक है वो उनका इसके साथ बातचीत करूँगा कि वो किसके प्रवृत्ति में कितना योगदान है, उससे बोलूँगा। आपका नाम बोलूँगा। मेरा नाम जसू भाई देसाई है और भारत विकास परिषद जो एक्टिविटीज कर रहा है अभी रिसर्च, उसमें मुझे संयोजक बनाया गया है। और खास जो तो कैंप हम करने जा रहे हैं 12 फरवरी संडे को छावनी कोटा के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो वो एक हम लेटेस्ट एक्टिविटी हमारी अभी ये है जो हम करने जा रहे हैं। जो आप प्रवृत्ति कर रहे थे तो कितने समय तक करते हैं और उस फ्यूचर में भविष्य में आप क्या करने चाहते हैं? जब तक हिम्मतनगर का तालुक है तो ये हिम्मतनगर तालुका में भारत विकास परिषद पिछले 10 साल से एक्टिव है। मोदी साहब थे, उसको मोदी साहब हमारे लिए किसी थे, तो पहले तो उन्होंने मुझे और जीतू भाई सोनी को भी इन्वॉल्व किया। इसके बाद हमने कई और लोगों को इन्वॉल्व किया, हमने कई एक्टिविटीज की। इसमें एक एक्टिविटी जो हम परमानेंट कर रहे हैं, दीपावली के दिन हम जो झूली जो झुकी झोंपड़ी होती है वहाँ जाके हम जो गरीब लोग हैं, बिल्कुल गरीब हैं, वहाँ उन लोगों को हम मिठाई का वितरण करते हैं। उनको पैकेट में पैकेट में वो जो मिठाई आती है उसके साथ जो प्रसाद भी आता है वो सब चीज़ हम बांटते हैं। और सर्दी के सीजन में हम वो जो कंबल आदि भी हम बांटते हैं। और कोरोना काल में हमने एक एक्टिविटी जो की थी कि जो सीरियल सराहनीय है उनको बहुत मार्गदर्शन मिला था उसके लिए हमारे यूपी अधिकारियों से, तो उसमें हमने जितने हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको, हमारे जितने आरोग्य के कर्मी हैं उनको और जो सेवा के काम उस वक्त जो लोग करते थे उन लोगों को हमने 15 दिन तक फ्री बॉटल पानी का भी छास ये सब हमने वितरण किया था। और वो हमने लोगों से तो हमें अनुदान मिला था, वो अनुदान में से वो प्रवृत्ति हमने किया है। अच्छा, ये प्रवृत्ति में जो आप लाभार्थी है, लाभार्थी को मालूम तो होना चाहिए कि कैसे कैसे प्रवृत्ति कहाँ से होती है, कौन इसका उसका नंबर हो। भारत विकास परिषद एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और वो जो सेवा के लिए काम करता है उसमें उसका ऑल इंडिया लेवल का उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है। रही बात हिम्मतनगर की, वो हिम्मतनगर जो कैंप करने के लिए जा रहा है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि छावनी कोटा में इससे पहले एक कैंप हुआ था, तो उसका जो मार्गदर्शन है और उन लोगों ने कैसे किया था उनसे हमने सलाह, उन लोगों से हमने सलाह लिया और अकॉर्डिंगली हमने 3-4 ग्रुप बनाए मोबाइल में, 250-250 ग्रुप का। उसमें एक ग्रुप राजस्थान का भी है, गुजरात का भी है, हमारे युवा गुजरात का भी है, हमारे दोस्तों का भी है। वहाँ हमने 2-3 लेटर रिपीटेडली डाला और वो लेटर हमने डाला तो हमने एटलीस्ट 100 लोगों का हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है जो कैंप में आने वाले हैं, विकलांग। और वहाँ ये लोग आएंगे तो हमारी जो अहमदाबाद से टीम आएगी वो चेकअप करेंगे। चेकअप के बाद टीम को ये लगेगा कि भाई ये विकलांग को ट्राइसिकल देना है, ये विकलांग को घोड़ी देना है, ये विकलांग को प्लास्टिक का बैग देना है, हाथ देना है, जो भी देना है वो तय करेंगे। तो तय करने के बाद वो चीज़ें हमें जो देनी है वो हम दूसरी बार उसका एक समारोह रखेंगे, वो डिलीवरी का समारोह जिसे बोलते हैं रोका करना, वो कर रखेंगे। और उस वक्त हम ये सब चीज़ें देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे जो हमने पब्लिक से जो हमने पैसे इकट्ठे किए हैं। रही बात पैसे इकट्ठे करने की,
तो हमें एक एवलम करके हमारी और एक फैक्ट्री है जिसके वो जो है चीफ वो प्रवीण भाई पटेल, इन्होंने हमें 2 लाख का अनुदान दिया है। वो अनुदान सुधीर भाई चौधरी है, उनके खास दोस्त है, उनके साथ के भी दोस्त है, हमारे भी पहचान वाले हैं। तो हमने कोशिश की तो उन्होंने हमें सामने 2 लाख का चेक दे दिया। ऑलरेडी ही मेड द पेमेंट ऑफ 2 लाख। हमें अभी जरा कष्ट फतेह हो कि जो चलाते हैं हमारे मनु भाई हरिचंद भाई पटेल, जो हमारे सावरधारा डिस्ट्रिक्ट बैंक के जो चेयरमैन है महेश भाई, उसके बड़े भाई है, और उसके एक भाई अशोक भाई जो कैनेडा में रहते हैं, वो तीनों भाइयों ने भी हमें 1 लाख का अनुदान दिया है। और भी लोगों ने हमें 5-5 हज़ार का अनुदान भोजन की व्यवस्था जो हमें करनी है उसके लिए भी दिया है। तो ये सब हमें अनुदान मिला के 3.5 लाख का हमारे पास अनुदान और आ गया है। और एक हमारे जो एनजी प्रोजेक्ट होते हैं या अनुबंधन नेता प्रमुख, जिसके जो मालिक है वो गोपाल सिंह जी बापू, वो भी सोशल एक्टिविटी पॉलिटिकली भी बहुत उनका नाम बहुत आगे है। तो उन्होंने भी हमें अनुदान दिया है और वो वैसे भी देते रहते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों ने हमें जो अनुदान दिया है वो अनुदान में से हम ये चीज करने वाले हैं। और ये 12 फरवरी संडे को ये प्रोग्राम होगा। तो वी विल कम बैक टू यू आफ्टर ऑल द डिटेल्स व्हाट एवर वी विल प्रोवाइड टू यू। और हम आपसे विनती करते हैं कि इसका प्रचार और प्रसार करना, इसीलिए करना हमारे खुद के प्रचार के लिए नहीं, लेकिन और लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले जो एनजीओ चलाते हैं उन लोगों को भी, क्योंकि हमारे जो दिव्यांग है, हमारे जो गरीब लोग हैं, हमारे जिनकी कोई सहायता नहीं है उनकी हेल्प के लिए सभ्यता है। हमारे स्टूडियो में जो दूसरा संयोजक है जो उसका भी योगदान नहीं है, इसका नाम पूछिए और जो क्या योगदान करते हैं उसको पूछिए। मेरा नाम जितेंद्र सोनी है और भारत विकास परिषद में मैं ऐसे पूर्व प्रमुख भी था। अभी हाल तो जो निःशुल्क कैंप करने जा रहे हैं, इधर के हमारे संयोजक जसुभाई जी देसाई जीशु ने पूरा जो तो अनुदान का पैसा भी और दूसरी सब जो निःशुल्क दिव्यांग कैंप साधन सहायक कैंप का जो वितरण करने का है वो सब तैयारी हमने कर दिया है और वो जसु भाई के मार्गदर्शन देख रहे हम अभी काम कर रहे हैं। अच्छा, लाभार्थी के जो वो इसको आपको कम से कम इसका आपका नाम बोलिए, इसका नंबर बोलिए, तो जिसको लाभार्थी को लाभ मिल सके। नहीं, ऐसे क्या है कि हमारे जो नीतीश भाई है जो हमारे साबरकांठा अरवल के गांधीनगर के जो टीम डिस्ट्रिक्ट है उसके जो प्रभारी है वो सब मार्गदर्शन में कर रहे हैं। और उसके मार्गदर्शन में जो हमारा लिस्ट बना है, रजिस्टर है लाभार्थी का, वो अभी सामने के बना है, वो हम आपको तब दे पाएंगे जब हमारा कैंप खत्म होगा, तब वो लोग वहाँ आने वाले हैं डॉक्यूमेंट के साथ। इसके बाद हम आपको पूरा का पूरा डिटेल हम तो कैंप के बाद हम आपको प्रोवाइड कर सकेंगे। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। हिम्मत नगर भारत विकास परिषद गाँव पे अरवल जिला के वहाँ पे साबरकांठा जिला में आए हुए वहाँ पे वहाँ किस में संकेत साक्ष्य है उसका मोबाइल नंबर है 9408511466, उसका संपर्क कर सकते हैं। और खूब सराहनीय उमदा की कामगिरी कर रहा है और वो भोजन का प्रबंध भी वहाँ से लाभार्थियों को बिना मूल्य फ्री ऑफ कॉस्ट, जितने भी लोग आए उतों में उसके साथ भी आए उसको भी भोजन का प्रबंध कर रहा है। खूब खूब धन्यवाद। और जगत जूस 24 आपका गौरव और अभिनंदन पाठ पाठते हैं और आप वो इस कार्य में आगे आपका सोपान सहकार इसका हार्दिक शुभकामना पाठते हैं। और जगत जूस 24 भास्कर शुक्ला अहमदाबाद। थैंक यू भास्कर।